इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रचना। केदारनाथ में तबाही के बाद देश के दो बड़े संत एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। आज इंडिया न्यूज पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और रावल भीमा शंकर सरस्वती बहुत बड़ी बहस करने जा रहे हैं। आज आप जानेंगे कि केदारनाथ में पूजा का अधिकार किसे है और शंकराचार्य रावल पर क्या आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बहस को देखने से पहले जानिए आखिर ये पूरा मामला है क्या। सोलह जून की रात और 17 जून की सुबह आए सैलाब ने केदारनाथ मंदिर को तबाह कर दिया, जिस केदारनाथ के मंदिर की शोभा आरती से होती थी, भक्तों की भीड़ से होती थी, वहां मरघट सा सन्नाटा पसरा था। केदार घाटी तबाह हो गई, लेकिन मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये पवित्र केदारनाथ मंदिर है जो तटस्थ खड़ा है, हजारों श्रद्धालुओं को, उन लोगों को जो बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हें ये जानकर राहत होगी कि ये मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए मंदिर पे कोई आंच नहीं आई है। जब बर्बादी का बादल छंटा तो 5000 साल पुराना ये मंदिर दो बड़े संतों की लड़ाई का अखाड़ा बन गया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और केदारनाथ के जगतगुरु रावल भीम शंकर लिंग के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। धर्म नगरी में धर्म संकट पैदा हो गया। शंकराचार्य का कहना है कि एक बार केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद वहां से शिव के विग्रह को हटाने का अधिकार मंदिर के रावल को नहीं है। लेकिन रावल के मुताबिक तबाही के बाद केदारनाथ मंदिर अशुद्ध हो गया था और शुद्धिकरण किए बिना मंदिर में पूजा नहीं हो सकती, इसीलिए शिव का विग्रह हटाया गया। शंकराचार्य के मुताबिक एक बार चार धाम की यात्रा शुरू होने के बाद पूजा सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ मंदिर में ही होनी चाहिए। लेकिन रावल के मुताबिक केदारनाथ मंदिर में मृत्यु सूचक लग गया था, जिस वजह से वहां पूजा करना शास्त्र सम्मत नहीं था। शंकराचार्य ने रावल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि रावल को केदारनाथ मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो तबाही के वक्त मंदिर से गायब हो गए। जबकि रावल के मुताबिक उन्हें धर्म के प्रचार के लिए देश में कहीं भी जाने का अधिकार है। केदारनाथ में रावल गद्दी पर विराजमान होते हैं और उनके पांच शिष्यों में से कोई भी एक पूजा कर सकता है। सुधीर पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शंकराचार्य और रावल शास्त्रार्थ के जरिए एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ में हुई तबाही के बाद से शंकराचार्य रावल पर आरोप लगा रहे हैं और अब रावल भी खुलकर शंकराचार्य के सवालों का तीखा जवाब दे रहे हैं। केदारनाथ मंदिर में पूजा को लेकर शंकराचार्य और रावल के बीच बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दोनों तरफ से आरोपों के तीर छोड़े जा रहे हैं। शंकराचार्य ने तबाही के बाद केदारनाथ मंदिर छोड़ने के लिए रावल को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने 9 दिन के बाद लौटकर कहीं बाहर गए थे, पट खोलकर वो चले गए। 9 दिन के बाद लौटकर ये वक्तव्य दिया कि उस जो ज्योतिर्लिंग की शिला है उसको स्थानांतरित करने पर विचार किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा। तो यह बात शास्त्र विरुद्ध होने के कारण, परंपरा के विरुद्ध होने के कारण हम लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने ये पर दूसरी बात कहना शुरू किया कि हम ओखी वट में पूजा कर रहे हैं। मठ कौन छोड़ नहीं पाएंगे, 6 महीने रावल जी बद्रीनाथ के नहीं छोड़ेंगे, बद्री का रावल जी का मठ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो पूजारी हर रोज पूजा करना पड़ता है। हमारा अंदर में 5 पूजारी, हम पूजा नहीं करते हैं। हरि कृष्ण रतोड़ी ने गढ़वाल का इतिहास में 32-33 के वो पृष्ठ में बताए गए, केदारनाथ के रावल जी स्वयं पूजा नहीं करते हैं और उनके
चेले उसे पूजा करवा लेते हैं। हम जगत गुरु हैं, केवल रावल नहीं, जगत गुरु माने संपूर्ण देश के लिए गुरु होते हैं। सब संचार करना पड़ता है, सारा देश में संचार करता है, मतलब धर्म प्रचार प्रसार के लिए। वो प्रश्न नहीं उठता है, हाँ पुजारी छोड़ना नहीं चाहिए, ये बात सही बात हो सकती है। शंकराचार्य को ऊखी मठ में पूजा होने पर भी आपत्ति है। शंकराचार्य का कहना है कि ऊखी मठ में चार धाम की यात्रा शुरू होने के बाद पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन रावल के अपने तर्क हैं। ऊखी मठ में अंग देवताओं की पूजा होती है, उस समय जब पट बंद होकर उन अंग देवताओं को ऊखी मठ ले जाया जाता है बाजे गाजे के साथ डोली में, जब वो लौट के मंदिर में आ चुके हैं और वो मंदिर में अभी है, तो ऊखी मठ में किसकी पूजा कर रहे हो? तो ये जनता में तुमने भ्रम डाला और इससे वहां सफाई में देर हुई। नहीं, परंपरा तोड़ी नहीं, पूजा ऊखी मठ में नहीं, 12 महीने होने की विग्रह मूर्ति है वहां ऊपर का केदारनाथ का पूजा यहां ला करके नहीं किया हमने। वहां का मंदिर वहां है, शिवलिंग वहां है, और नीचे जो विग्रह मूर्ति 6 महीने के बाद जो आती रहती है वो विग्रह मूर्ति की पूजा की गई है। वो अखंड 12 महीने जो पूजा होने वाले विग्रह मूर्ति को, उसको पूजा कई नहीं रोक सकता है। अभी तक वो अखंड रूप से चल ही रहा है, इतना आपदा में भी वो नहीं रुकी है, एक दिन भी नहीं रुकी है। दरअसल परंपरा के मुताबिक केदारनाथ मंदिर में पूजा का क्रम तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन तबाही ने माहौल बदल दिया, इसलिए 17 जून के बाद मूर्ति को पहले गरुड़ चट्टी और फिर ऊखी मठ में ले जाकर स्थापित किया गया। ऊखी मठ में ही 24 तारीख से विधिवत मूर्ति की पूजा हो रही है। शंकराचार्य ने रावल के ऊपर परंपरा की जानकारी न होने का आरोप लगाया है। परंपरा की जानकारी थी तभी तो हमने पकड़ा कि परंपरा यह है कि जब शीतकाल में देवता वगैरह चले जाते हैं ऊखी मठ में, तो उन देवताओं की पूजा होती है, ऊखी मठ की पूजा नहीं होती। तो हमने कहा ये मूर्तियां गई कब, कौन ले गया? पुजारी तो भाग गया। और मंदिर कमेटी कह रही है कि हमसे कोई अनुमति ली नहीं, तो अगर वो ले भी गए तो चोरी करके ले गए, तो ऐसा करने का उनको कोई हक नहीं था, क्योंकि ये मंदिर कमेटी के वेतन भोगी है, उनका वेतन लेके उनके नौकर हैं ये। कौन से विधि विधान, उनको क्या जानकारी है? अभी तक हमारे मंदिर तक ना वहां बैठ करके हमारा जानकारी उनको क्या पता लग गई? हमको हमारे पास में रहे, हमको मालूम है, वो अभी तक मंदिर तक आए उनको क्या पता है? न जाते वक्त आए हैं, न आते वक्त आए हैं, न स्थापित करते वक्त आए हैं हर साल, न उसको वो अंदर का जो भगवान की विग्रह है उनको अभी मालूम नहीं है। और अभी तक केदारनाथ रावल जी या बद्रीनाथ रावल जी का अंतर क्या अभी तक पता नहीं था? हम क्या कैसे कर सकते हो, उन्हीं को सब कुछ मालूम नहीं है। रावल और शंकराचार्य के बीच जारी बहस उस मोड़ पर पहुंच गई है जब दोनों एक दूसरे की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वहां पर पूजा होनी चाहिए, ये हमारी मंशा है, ये क्या बुरी बात है? पूजा हम करेंगे अगर ऐसा हम कुछ कहते तो आप कह सकते थे, हम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि मूर्ति को अपूजित न छोड़ा जाए, ये आप याद रख लीजिए। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो उनकी कृपा से बच गया है, मूर्ति को अपूजित छोड़ने से एक तो धर्म की हानि होगी और दूसरे अगर वहां आवागमन नहीं हुआ तो हो सकता है कि विदेशी शक्तियां जिनमें चीन की सीमा पास में लगी है वो अगर आकर वहां बैठ जाएगी तो आप उसको हटा नहीं पाएंगे। और शंकराचार्य को वही है ना, सामने तो वही है, उन्हीं को पता कौन है?
जो आरोप लगाने वाले को पता है कौन है, हम क्या जाने? जो आरोप लगा रहे उनके पीछे कौन है, हम क्या, हम कैसे जाने? वो अध्यक्ष करने के लिए समय नहीं है, ये हम देख रहे हैं, ये भगवान की और जी की केदार की स्थिति ये देख रहे हैं, वो अध्यक्ष करते बैठे हमने, शास्त्र किताब निकाल के बैठे हैं, वो समय आए, ये उचित लगेगा? ये हम तो जगत गुरु पद के लिए तो अच्छा नहीं लगता है। केदार मंदिर तबाही के बाद भी खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें पूजा कौन कर सकता है? दोनों महात्माओं के बीच इसको लेकर भी मतभेद हैं। रावल अभी तक केदारनाथ मंदिर में पूजा करते रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य तो उन्हें सिरे से खारिज कर रहे हैं। उसका अधिकारी नहीं, हम लोगों ने पता लगाया कि ये लिंगायत है, और लिंगायत अपने को हिंदू नहीं कहते, ये पुनर्जन्म नहीं मानते और अपने शव को जमीन में गाड़ देते हैं, सूतक भी नहीं मानते और स्वयं सूतक को मानते नहीं है, और कहते हैं कि शंकर भगवान शिवलिंग को सूतक लग गया क्योंकि वहां लाते हैं, जबकि एक भी लाश नहीं है। भगवान शंकर को पकड़ के बहुत से लोग जिंदा बचे हैं, वहां तो केवल मिट्टी और बालू इकट्ठी हो गई थी जो कभी भी हटाई जा सकती थी। हम उसी परंपरा के पांच पीठ जो है जंगम वंश के जगत गुरु रहते हैं, उस चार शंकराचार्य के जो पीठ है वो ब्राह्मण के वो जगत गुरु होते हैं। इस प्रकार ये परंपरा अबाधित रूप से अभी तक आया है। ये तो केदारनाथ का शिव उपासना है, हमने तो बद्री में कुछ हस्ता भी करने का सवाल ही नहीं है। वहां पर जो केरला के लंबूदीरी पास ब्राह्मण रावल पूजा करते हैं, यहां पर हम रावल हैं, लेकिन हमारे जंगम जो पांच अधीनस्थ पूजा करते, क्योंकि हम जगत गुरु होने के नाते इस प्रकार की ये परंपरा का वो आई हुई अभी तक है। रावल और शंकराचार्य में कोई भी झुकने को तैयार नहीं, आगे ये बहस किस हद तक जाएगी देखते जाइए। राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज पर जारी शंकराचार्य और रावल की बहस अहम और बड़े मोड़ पर पहुंच गई है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। शंकराचार्य ने तो बहस के दूसरे हिस्से में रावल के धर्म पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन रावल भी झुकने को तैयार नहीं है, हर सवाल का जोरदार जवाब दे रहे हैं, आप खुद ही देखिए। केदारनाथ में आई तबाही के बाद शंकराचार्य और रावल के बीच जारी बहस में मदद भी विवाद का मुद्दा बन गई है। शंकराचार्य के मुताबिक उन्होंने तबाही के बाद अंतिम संस्कार में मदद की पेशकश तक की थी, लेकिन रावल ऐसी किसी मदद से साफ इनकार कर रहे हैं। तो आपको जान का खतरा था, आप भाग गए, तो उसके बाद आपको ये मांग करना चाहिए था, हम लोग भी तो थे, कि भाई हम नहीं चाहते थे कि वहां अपनी जान गंवाओ, लेकिन ये तो चाहते थे कि जो सरकार इसमें समर्थ है वो ही काम कर दे, क्योंकि हमेशा तो 5 बरस क्षति कर दी है, तो जीवित लोगों को वहां से हटाओ, मृतकों का संतुष्टि करो। बल्कि हमने ये भी कहा कि 500 आदमियों की लकड़ी से अगर अंत्येष्टि होती है तो उसका रुपये हम भी लाएंगे। नहीं, वो कोई भी हमारे लिए संदेश नहीं मिला है मदद के लिए। हाँ, जब ये नैतिकता से बात अलग है, शंकराचार्य जी हो या पंचाचार्य जी हो और भक्त हो, लेकिन सहयोग सरकार से तो उनको अवश्य बुलाएंगे, उनको मदद ले लेंगे, विचार देंगे। शंकराचार्य ने तो रावल के हिंदू होने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं रावल ने अपनी पहचान इंडिया न्यूज पर जाहिर की है। बात यह है कि जब हमने ये पता लगाया कि ये आदमी कुछ करता नहीं है और जबरदस्ती वहां मालिक बना बैठा है, और ये भी फिर हमको पता लगाना पड़ा कि आखिर ये लिंगायत है कौन, इंटरनेट में हम लोगों ने देखा,
तो ये अपने हिंदू मानते ही नहीं है, वेदों पर विश्वास नहीं करते, वेद मंत्र से पूजा नहीं करते। हम लोगों के लिए सिरदर्द तो ये हो गया कि भगवान शंकर का अभिषेक तो वेद मंत्र से होना चाहिए और ये वेद मंत्र मानते नहीं है, इसलिए तो बिल्कुल हटाना चाहिए लोगों को। नहीं, विधि विधान तो बता दीजिए ना, कैसे कैसे विधि विधान है और विधि विधान कहाँ गलती हो गए वो तो हमारे सामने आने दीजिए, तब हम हाँ या नहीं कहेंगे, ये गलत हुआ है या सही है। हमारा स्ट्रक्चर में आप गलत है, आप गलत है, क्या कर क्या गलत है, ये तो स्ट्रक्चर सामने आना चाहिए ना। आप बीमार है, आप बीमार है, बीमारी तो है क्या, तभी डॉक्टर उसे दे सकते। शंकराचार्य निरावल पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने केदारनाथ मंदिर के चढ़ावे में रावल के हिस्से को गलत ठहरा दिया है। वो जो व्यक्ति है पूजा का दायित्व तो संभालता नहीं और चढ़ावे का 20% वो ले लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि कार्य करे नहीं और चढ़ावा लेता जाए तो अपात्र नहीं है वो। एक बार वहां रहने के लिए जगह नहीं थी, उखीमठ में दक्षिण भारत से करोड़ों रुपए भी हम चंदा इकट्ठा करके वहां पर भक्त निवास बनाए, उसका उद्घाटन जून 5-6 तारीख को 2006 में तत्कालीन गृह मंत्री माननीय शिवराज पाटिल जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, पंचपीठाधीश्वर आए थे, इतना जुलूस होते तब विधि विधान नहीं दिखा। सत्पाल महाराज जी आकर के उद्घाटन किए थे तब विधि विधान नहीं दिखा। केदारनाथ मंदिर में क्या कभी रावल शंकराचार्य को पूजा के लिए निमंत्रण देंगे, ये भी विवाद का विषय बन गया है। रावल शंकराचार्य को बुलाने से मना कर रहे हैं और शंकराचार्य कह रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण की फिक्र नहीं। हमको मत बुलाइए आप, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ये चाहिए कि भगवान की पूजा हो, विधि विधान से हो, मत बुलाओ, हमें कोई ऐसा शौक नहीं है, हमें तो आप 1000 बार बुलाओगे तो मुश्किल से जाएंगे। नहीं नहीं, बयान नहीं दे, सहयोग की भावना हो तो जरूर बुलाएंगे, जो द्वेष की भावना हो तो कभी नहीं बुलाएंगे, अभी नहीं कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो द्वेष से आएंगे तो द्वेष ही होगा ना। हाँ, सहयोग हो तो अवश्य बुलाएंगे, क्योंकि ध्रुव धार इति धर्म, सत्य को धारण जो करना है वही धर्म की परिभाषा है। पूरे विवाद के बाद शंकराचार्य ने तो रावल को हटाने की मांग तक कर डाली है। इस रावल को हटाया जाए और इस समय जो बद्रीनाथ कमेटी का प्रेसिडेंट है उसको भी हटाया जाए, क्योंकि ये पूजा जूता पहने घुसा है वहां। रावल और शंकराचार्य के बीच चल रही बहस उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां केदारनाथ की परंपरा का सच देश जानना चाहता है। राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिसुखी मठ में शिव के विग्रह की पूजा को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और रावल भी